अगर आप भी करना चाहते हैं अपने वर्क सेटअप को इम्प्रूव और लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करते हैं जिसकी वजह से गर्दन के दर्द या पीठ के दर्द से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम Amazon Basics के लैपटॉप स्टैंड का रिव्यू करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहें। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर आता है Amazon Basics का लैपटॉप स्टैंड। एक बार ये लैपटॉप को बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स से और उसके बाद आपको पूरा का पूरा उसका एक्चुअल लुक दिखाता हूँ। बॉक्स से बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है Amazon Basics का लैपटॉप स्टैंड। डिजाइनिंग वाइज कुछ इस तरीके का डिजाइन आपको मिल जाता है Amazon Basics के लैपटॉप स्टैंड का। अब पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। मटेरियल वाइज तो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। अगर प्लास्टिक की भी बात करूं आप देख सकते हैं कि इसको मैं जैसे ही टच भी करता हूं तो काफी ज्यादा फील हो जाता है कि लो ग्रेड प्लास्टिक का इसमें यूज किया गया है। इवन अगर मैं इसको हिलाता भी हूं तो आप देखेंगे कि हर तरफ से खटखट खटखट करने लगता है। तो आप इससे ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप इसको यूज कर पाएंगे। जो लैपटॉप स्टैंड है काफी छोटा है देखने में, आप देखेंगे कि इजिली आप इसको अपने बैग वगैरह में कैरी कर सकते हैं। पीछे की तरफ से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके साइज का थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा। तो पोर्टेबिलिटी वाइज मुझे ये ठीक लगा कि आप इसको अपने लैपटॉप बैग के अंदर इजिली कैरी कर सकते हैं। इस लैपटॉप स्टैंड की वेइंग कैपेसिटी की बात करें तो 10 kg तक के जितने भी लैपटॉप आते हैं इजिली आप उनको इसके ऊपर रख सकते हैं। एक बार इस लैपटॉप स्टैंड को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का सिंपल सा तरीका है, आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आप इसको यहाँ से बाहर की तरफ खींच सकते हैं और जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। अंदर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे एक और ट्रे लगी हुई है। इस ट्रे को आपको कुछ इस तरीके से बाहर खींचना होता है। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ये जो स्पेसेस दिए गए हैं इन स्पेसेस के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है वो फिट हो जाता है। तो जितनी भी आपको हाइट चाहिए लैपटॉप की कुछ इस तरीके से आप उसमें हाइट को चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स मिल जाती है। सारे यहाँ पे आपको ये स्पेस दे रखे हैं, यहाँ से ही आप इसको लगाना शुरू कर सकते हैं। तो काफी अच्छे एंगल आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफी ज्यादा हाइट आपको मिल जाती है। जब एक बार ही मैं लैपटॉप इसके अंदर रख के आपको दिखाऊंगा तब भी आपको इसका इजिली अंदाजा हो जाएगा। और यहाँ पीछे तक आप इसको डाउन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ इस तरीके का एंगल चाहिए अपने लैपटॉप को रखने का तो यहाँ तक ये नीचे तक डाउन हो जाता है। मल्टीपल हाइट एडजस्टमेंट ऑप्शन मिलने की वजह से होता है कि आपको एक अच्छा व्यूइंग एंगल मिलता है जिससे कि आपकी नेक पर, आपकी बैक पर और आपकी रिस्ट पर कम से कम प्रेशर पड़ता है। इस लैपटॉप स्टैंड के साथ आपको बिल्ट इन कूलिंग फैन वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। बहुत सारे लैपटॉप स्टैंड्स पर आपने पीछे की तरफ ये भी देखा होगा यहाँ पे फैन लगा होता है। जब हम लैपटॉप को उसके ऊपर रखकर यूज करते हैं तो फैन पीछे से ऑपरेट होता रहता है जिससे कि लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, टेम्परेचर डाउन रहता है। क्योंकि ये एक बजट लैपटॉप स्टैंड है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। सामने की तरफ से लैपटॉप स्टैंड कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। डिजाइनिंग काफी अच्छी मेरे को इसकी लगी और काफी ज्यादा यहाँ पे स्पेसेस दिए गए, ओपन स्पेसेस दिए गए हैं ताकि जब भी आप इसके ऊपर लैपटॉप को रखें तो एयर सर्कुलेशन जो है वो बना रहे, आपका लैपटॉप जो है वो ओवरहीट ना हो। साथ ही साथ इस तरफ आपको मिल जाते हैं ये एंटी स्लिप रबर्स। जब भी आप इसके ऊपर लैपटॉप को रखते हैं तो लैपटॉप जो होता है वो बिल्कुल इसके साथ स्टिक रहता है। नीचे की तरफ भी यहाँ पे आप देखेंगे बेस पर भी आपको यहाँ पे एंटी स्लिप रबर्स मिल जाते हैं। लैपटॉप नीचे की तरफ पूरा ना खिसके उसके लिए यहाँ पर आपको ये स्टैंड्स मिल जाते हैं जो लैपटॉप को कुछ इस तरीके से होल्ड करके रखता है। नीचे की तरफ से अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे आपको ये होल मिल जाता है। इस होल को यहाँ रखने का पर्पस ये होता है कि यहाँ से आप लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसकी केबल को यहाँ से पास करा सकते हैं। वही केबल यहाँ से पास होकर आप इसके अंदर से भी पास करा सकते हैं और उसके अंदर से पास होने के साथ साथ वो यहाँ से आप निकालकर अपने लैपटॉप के साथ लगा सकते हैं। लैपटॉप स्टैंड के साथ आपको मिल जाता है ये एक मोबाइल स्टैंड। ये एक एडिशनल अटैचमेंट है जो यहाँ इस लैपटॉप स्टैंड के साथ मिल जाती है। बहुत सारे लैपटॉप स्टैंड्स में आपको हो सकता है अटैचमेंट ना भी मिले। इसको आप किस तरीके से फिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ नीचे की तरफ स्पेस दिया गया है। इसको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ फंसाना है और इसको यहाँ पे आगे ले आना है। तो कुछ इस तरीके से ये लैपटॉप स्टैंड के साथ साथ आप अपने मोबाइल को भी इसके ऊपर होल्ड कर सकते हैं। इस लैपटॉप स्टैंड का प्राइस जो है वो 349 रुपीज़ में मैंने इसे अमेजोन से खरीदा है। प्राइस वाइज तो मुझे ये प्रोडक्ट ठीक लगा लेकिन जिस तरीके की क्वालिटी यहाँ पे दी गई है वो क्वालिटी से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। अब एक बार इस लैपटॉप स्टैंड के ऊपर लैपटॉप को रख के देख लेते हैं। साथ ही साथ ये जो मोबाइल स्टैंड दिया गया है इसके ऊपर भी मोबाइल को रखकर देख लेते हैं। तो अभी मेरे पास ये मेरा 15 इंच का लैपटॉप है। एक बार मैं इसको इसके ऊपर रखकर आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे अभी मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। एक बार ये जो छोटा मेरे पास एक मोबाइल है उसको भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या मैं इसको यहाँ पर होल्ड कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे जो छोटा मोबाइल है उसको मैं होल्ड तो कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा साइड करके यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये शेकी रहता है। यानी कि जब अगर मेरे को कोई नंबर भी इस पर डायल करना होगा तो आप देख सकते हैं मैं इजिली कोई नंबर भी डायल नहीं कर सकता। दूसरा कि इसके व्यूइंग एंगल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे भी कर दूं अगर आप देखेंगे तो भी यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर डायल करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं कोई नंबर डायल नहीं कर सकता और साथ ही साथ इसके गिरने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बने रहते हैं। अगर इसको कुछ इस तरीके से रखूँ मैं फोन को तब भी यहाँ पे काफी ज्यादा इसमें शेक रहता है। आप देखेंगे जो बीच का गैप है वो काफी ज्यादा है। अगर आपका मोबाइल चौड़ा है तो शायद वो यहाँ पे थोड़ा अंदर आ जाएगा लेकिन हर तरह के मोबाइल के लिए इसको नहीं बनाया गया है। अगर मैं इसकी विड्थ को कम करना चाहूँ तो इसकी विड्थ को मैं कम नहीं कर सकता हूँ। तो अभी मैंने इसको सबसे ज्यादा मिनिमम जो हाइट है उस पर लगाया हुआ है। अभी इसकी मैक्सिमम हाइट को अगर मैं कर दूँ
तो वो मैं आपको एक बारी करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसकी मैक्सिमम हाइट देखने में लगती है। मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, मैंने इस पर बैठ के काम करने की भी कोशिश करी तो बहुत ज्यादा ऊंचा होने की वजह से इवन इफ इसकी लोएस्ट हाइट पर करने के बाद भी जिस तरीके का एंगल ये बनाता है उस पर काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर साइड एंगल से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुक होने की वजह से मैं अपने हाथ को यहाँ पे प्रॉपरली रख नहीं पा रहा हूँ। हाइट वाइज मुझे इसमें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है काम करने में। तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो काफी ज्यादा हाथों में मेरे को स्ट्रेन महसूस होता है, क्योंकि हाथ हमेशा यहाँ नीचे की तरफ जो है वो टच होता है और ये जो नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स की वजह से जो है आप अपने हाथ को इसके ऊपर ठीक से टाइपिंग के टाइम पर टिका नहीं पाएंगे। केबल मैनेजमेंट वाइज भी मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि जब भी आप अपने चार्जर की केबल को यहाँ पीछे से निकालने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे जो ये वाला होल है वो इतना बड़ा नहीं दिया गया है कि आपका चार्जर का जो पॉइंट है वो यहाँ से निकल पाए। इवन अगर आपका जो माउस है वो वायर्ड माउस है तो उसका भी आगे का जो पोर्ट होता है उसको भी आप इसके अंदर से पास नहीं करा पाएंगे, जिसकी वजह से केबल मैनेजमेंट वाइज भी ये मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। इसको आप फ्लैट सरफेस पे तो इजीली यूज कर पाएंगे, लेकिन क्या हम इसको बेड के ऊपर रख के भी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उस केस में किसी तरीके का कोई शेक इसके अंदर आता है वो भी एक बार मैं आपको टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जैसा हमारा बेड का मैट्रेस होता है वैसे ही सरफेस पर मैंने इसको रखा है। अगर मैं कुछ भी इसके ऊपर हल्का सा भी हिलाऊं तो ये कितना ज्यादा शेक करने लगता है, तो जब भी आप इस पर टाइपिंग वगैरह करेंगे तो उस केस में ये बहुत ज्यादा वर्दी नहीं होता है। अगर आपका लैपटॉप 15 इंचेस से बड़ा है तो उस केस में तो ये बहुत ज्यादा शेकी हो जाएगा, उस केस में तो आप उसको यहाँ पे ठीक से रख भी नहीं पाएंगे। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें जब भी आप इस लैपटॉप स्टैंड को यूज करें, तो इसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं कौन कौन से लैपटॉप्स आप इस पर रख सकते हैं तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो आपने देख ही लिया होगा, अगर आपके मन में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।